उत्तराखंड में जिस तरीके से ग्लेशियर फटने के बाद में वहाँ पर कई सारे लोग जो हैं मलबे में दब गए, क्योंकि वहाँ पर जल विद्युत परियोजना चल रही थी, जिसके बाद में वहाँ पर कई सारे लोग जो हैं मलबे में दब गए और रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। उसी श्रृंखला में हम आज गंगा बैराज के पास में खड़े हुए हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर पानी आएगा, लेकिन अभी किसी तरीके का कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन उसको लेकर के तमाम तैयारियाँ जो हैं यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। अगर यहाँ पर कोई वोटिंग करने भी जाता है तो उसको लाइफ सपोर्ट जैकेट पहनाई जाती है, उसको पहनाने के बाद में ही नाव पर सवारी करने के लिए बोला गया है। साथ ही यहाँ पर लगातार अधिकारियों का निरीक्षण भी चल रहा है, उसको लेकर के डीएम ने भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की है, एनडीआरएफ की टीम से बात की गई है, साथ ही पीएसी के जवानों से भी बात की गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा और सबको अलर्ट भी कर दिया गया है। इसके पास के अगर गांवों की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि जो वहां से पानी है वो एक हफ्ते के अंदर आ सकता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं अभी किसी तरीके का बैराज में हम खड़े हुए हैं, किसी तरीके का पानी का कोई बढ़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सुरक्षा है आप वहाँ तो सामने देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो हैं लगातार नावों से जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और तमाम तरीके के एहतियात जो हैं उसके बाद में यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जिस तरीके से उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा है उसके बाद में लगातार टीमें अलर्ट कर रही हैं, तो कानपुर में आप यहीं पर रहते हैं तो किस तरीके से अलर्ट किया गया है, क्या मतलब गाइडलाइन दी गई हैं आप लोगों को? सूचना मिली थी कि लोगों को थोड़ा संचेत हो जाए, जैसा टहले गंगा किनारे जो लोग यहाँ करे हैं कि ऊपर रहें और नीचे जो गांव हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, बोले कि खाली कर लो, बाढ़ कभी भी आ सकती है, मगर फिर भी लोग अभी थोड़ा शांति बनाए हैं, लग नहीं रहा कि आएगी कि नहीं आएगी। ये आपका नाम क्या है? संजय। तो संजय जी, किस तरीके से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरीके की आप लोगों को गाइडलाइन दी गई है, क्योंकि आप लोग यहीं के निवासी हैं तो बोट भी चलवाते हैं आप, तो किस तरीके से क्या गाइडलाइन दी गई है? प्रशासन की तरफ से बोला गया कि इधर आप लोग देख रेख करिए, जब पान और नीचे के गांव हैं, कुछ नीचे के जो गांव हैं उनको अलर्ट कर दिया गया, जैसे कुछ गांव यहाँ चंपापुर शुक्लागंज वगैरह है तो उनको खाली करने का आदेश दे दिया, कुछ लोग अपने घर को खाली करके बाहर ऊपर साइड शिफ्ट भी हो गए हैं और प्रशासन के द्वारा यहाँ नज़र भी रखी जा रही है। तो जिस तरीके से आप डेली जो वोटिंग करने लोग आते थे, मतलब यहाँ पर गंगा की सैर करने आते हैं, गंगा जी के दर्शन करने आते हैं, तमाम सैलानी घूमने आते हैं, तो उनको किस तरीके से आप लोग गाइड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनसे, क्योंकि आप नाव में उनको घुमाते हैं, तो किस तरीके का उनको निर्देश दे रहे हैं? अभी तो भैया इस गाड़ी ऊपर खड़ी करवा देते हैं, बाई चांस अगर बोट कर रही था तो बोट जब बाढ़ आती है तो अलर्ट कर दिया जाता है बैराज के ऊपर से, तो बोट ये सब पानी के बाहर ही चले जाते हैं, मना कर दिया जाता है, वहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी जाती है प्रशासन के माध्यम से कि कोई नीचे आएगा ही नहीं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बाढ़ वहाँ पर आई है तो क्या जल स्तर जो है यहाँ का बढ़ सकता है, कि मतलब कोई अंदाशा है इस तरीके का, क्योंकि आप लोग यहीं पर रहते हैं, लगातार आपने कई बाढ़ें देखी भी होंगी, तो क्या लगता है आपको आ सकती है कि नहीं आती? नहीं भैया, बाढ़ तो आएगी ही आएगी, भले कुछ भी आए मगर बाढ़ तो आनी ही आनी है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि जल स्तर को देखते हुए तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। जिला अधिकारी कानपुर की भी बात की जाए तो उन्होंने भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लगातार ये बोला है कि ऋषिकेश से के संपर्क में रहें, वहाँ पर अगर जल स्तर बढ़ता है किसी तरीके का तो उसके बाद में जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसको दुगना कर दिया जाएगा। तमाम तरीके की एहतियात पहले से ही कानपुर जिला प्रशासन सिंचाई विभाग द्वारा बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ प्लस के लिए कैमरा पर्सन बीरेन सिंह के साथ अविरल गुप्ता, कानपुर।